नमस्कार दर्शकों, YouTube के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ मिथुन लग्न व कन्या राशि के लिए वर्ष 2024 का राशिफल। जो मेरे नए दर्शक हैं उनको मैं बता दूँ, मैं लग्न व राशि दोनों से वीडियो डालती हूँ और आज का कम्बिनेशन मिथुन लग्न व कन्या राशि है। सबसे पहले हम समझें कि मिथुन लग्न व कन्या राशि का क्या अर्थ है। यह आपकी लग्न कुंडली है, पहले भाव में 3 नंबर लिखा है, इसका अर्थ है आपका मिथुन लग्न है। चंद्रमा चौथे भाव में 6 नंबर में बैठा है, इसका अर्थ है आपकी कन्या राशि। यानी आपका कम्बिनेशन अगर मिथुन लगन व कन्या राशि का बनता है तो आप वीडियो देखकर लाभ उठा सकते हैं। सबसे पहले हम 4 बड़े ग्रहों का गोचर देखेंगे वर्ष 2024 में। मिथुन लगन में चौथे भाव में चल रहे हैं केतु, शनि महाराज भाग्य भाव में हैं, दशम भाव में राहु, और वर्ष के आरंभ में देवगुरु बृहस्पति लाभ भाव में होंगे और मई 2024 को वो द्वादश में चले जाएंगे। कन्या राशि से बात करें तो शनि महाराज 6ठे भाव में चल रहे हैं, राहु 7ठम भाव में है। वर्ष के आरंभ में देवगुरु बृहस्पति 8ठम में होंगे और मई 2024 को वो भाग्य भाव में चले जाएंगे और केतु का गोचर लगन पर हो रहा है। इसका मतलब हम बात करते हैं कि मिथुन लगन व कन्या राशि के लिए वर्ष 2024 कैसा है। ये वो कम्बिनेशन है कि जिसमें पहले तो मिथुन लगन से आपके लिए समय अच्छा होगा और बाद में कन्या राशि से, जिसके कारण अगर हम ओवरऑल बात करें कि हम कैरियर को लेकर हमें कब कब डिसीजन लेने हैं तो हमारे लिए पूरा साल भर का समय आ रहा है। यानी कैरियर का हमारा शुभ समय जनवरी से अप्रैल भी आ रहा है और मई से दिसंबर भी आ रहा है। इसमें एक ध्यान रखने की बात है, मिथुन लगन और कन्या राशि का आपका कम्बिनेशन है और अगर आपकी गुरु की दशा या गुरु की अंतरदशा चल रही है तो आपको थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। जब वर्ष का आरंभ होगा तो कन्या राशि से गुरु अष्टम में होगा और मई के बाद मिथुन लगन से गुरु 12वां होगा। गुरु का अष्टम में जाना और गुरु का 12वें भाव में जाना इस बात का संकेत है कि अगर आपकी गुरु की दशा या अंतर्दशा चल रही है तो आप सावधानी रखनी अपेक्षित है, क्योंकि जिस ग्रह की दशा अंतर्दशा चल रही है अगर वो गोचर में 8 या 12 में चला जाता है तो वो थोड़ा सा नेगेटिव रिजल्ट देने में सक्षम हो जाता है। इसका विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, इसलिए हमें गुरु से जुड़ी कोई ना कोई रेमेडी जरूर करनी पड़ेगी। अब हम बात करते हैं आपके कैरियर को लेकर के लिए कि मिथुन लग्न व कन्या राशि के लिए वर्ष 2024 में कैरियर का जो शुभ समय निकल के आता है वो आता है 1 जनवरी से अप्रैल और 1 मई से दिसंबर। ये वो कम्बिनेशन है कि इस वर्ष आपको इस कम्बिनेशन के लिए कैरियर में नए अवसर मिल सकते हैं, कैरियर में नए अवसर मिल सकते हैं और कैरियर में एक तरीके से बदलाव का समय है। बदलाव इस संदर्भ में कि आप वर्तमान जॉब को बदल सकते हैं, वर्तमान जॉब में आपका ट्रांसफर हो सकता है, आप विदेश जा सकते हैं या आप जॉब के चक्कर में अपना स्थान परिवर्तन भी कर सकते हैं। और क्योंकि स्थान परिवर्तन का संकेत इसलिए भी आ रहा है क्योंकि मिथुन लग्न व कन्या राशि से प्रॉपर्टी खरीदने का योग बहुत अच्छा बन रहा है, क्योंकि एक समय पे मिथुन कन्या राशि से गुरु अष्टम होगा और एक से मिथुन लगन से गुरु 12वां होगा। 8वां और 12वां गुरु प्रॉपर्टी खरीदने का बहुत अच्छा योग बनाता है। तो अगर आप मिथुन लगन व कन्या राशि के जातक हैं और लंबे समय से प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे थे और बाय चांस आपकी वर्ष 2024 में आपकी कुंडली में गुरु की, मंगल की या शुक्र की दशा या अंतर्दशा चल रही है तो वर्ष 2024 में आप प्रॉपर्टी में निवेश करके लाभ उठा सकते हैं। तो इस वर्ष आपकी रहने की जगह भी बदलेगी और आपका काम करने का तरीका भी बदलेगा। अगर आप व्यापार करते हैं तो हो सकता है इस वर्ष व्यापार में किसी नए काम की शुरुआत करें, क्योंकि मिथुन लगन से देखें तो आपका जो सप्तमेश और दशमेश है वो लाभ भाव में है। यानी इच्छा पूर्ति के भाव में दशमेश का होना इस बात का संकेत है कि कैरियर को लेकर आपके लंबे समय से कोई इच्छा थी, जो आप जैसे कोई किसी ऐसी जॉब की तलाश में थे या कोई ऐसा व्यापार शुरू करना चाहते थे या लंबे समय से विदेश जाने वाले थे, तो वो उन इच्छाओं की पूर्ति आपकी वर्ष 2024 में संभव है। आपको इस वर्ष मिलेगा भाग्य का साथ, और भाग्य का साथ मिलने का अर्थ है कि आप जो एफर्ट्स करेंगे, प्रयास करेंगे, उसमें आपको सफलता मिलेगी। गुरु की दृष्टि क्योंकि लगन पर जाएगी और गुरु भाग्य भाव में बैठे हैं, कन्या राशि से भाग्य भाव में आएंगे और गुरु की दृष्टि लगन पर जाएगी, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा जिसके कारण आप जो डिसीजन लेंगे वो डिसीजन आपके सही होंगे। जो अपने विवाह के लिए प्रयासरत हैं उनका इस वर्ष विवाह तय हो सकता है और जो दंपति संतान प्लान करना चाहते हैं इस वर्ष संतान प्लान कर सकते हैं। मैं फिर कहूंगी कि अगर आपका मिथुन लग्न व कन्या राशि का कम्बिनेशन है और आपकी कुंडली में गुरु की दशा या अंतर्दशा चल रही है तो गुरु की कुछ ना कुछ रेमेडी करिए। गुरु की रेमेडी के तौर पर आप हर गुरुवार को सुबह के समय बुधवार को चने की दाल भिगो दीजिए और गुरुवार को सुबह भीगी हुई चने की दाल गाय को खिलाइए। आप हर पूर्णमासी को व्रत रख सकते हैं और भगवान सत्यनारायण की कथा कर सकते हैं। अगर आप व्रत ना भी रखें तब भी अगर आप पूर्णमासी को भगवान सत्यनारायण की कथा करते हैं तो वो भी गुरु की बहुत अच्छी रेमेडी है। गुरु की रेमेडी के तौर पर आप रोज गाय को रोटी खिला सकते हैं और इसके साथ ही आप
अगर किसी कार्य में बाधा आ रही है और आपको लग रहा है कि दाम्पत्य जीवन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि कन्या राशि से गुरु आपके सप्तमेश हैं और मिथुन लगन से भी गुरु सप्तमेश हैं, यानी लगन और राशि से गुरु आपके सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं, तो ये बात तय है कि जब कन्या राशि से गुरु अष्टम में होंगे और फिर मिथुन लगन से गुरु बारहवें होंगे, तो सिंपल सीधा प्रभाव आपके दाम्पत्य जीवन पर पड़ेगा। तो दाम्पत्य जीवन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप किसी सुहागन स्त्री को लगातार 3 गुरुवार कुछ सुहाग सामग्री दान कर सकते हैं, वो भी गुरु की बहुत अच्छी रेमेडी होगी। सुहाग सामग्री में आप उसको एक लाल रंग की साड़ी, उसका कुछ चूड़ी बिंदी कंघा, इस तरीके से आप चीजें दे सकते हैं। सुहाग सामग्री आप 3 गुरुवार दे सकते हैं, ये आपके लिए बढ़िया रहेगा। और साथ ही साथ चने की दाल गाय को खिलाइए, और आप केसर का तिलक अपने माथे पे लगा सकते हैं, अपने गले में लगा सकते हैं, या अपनी नाभि के पास भी लगा सकते हैं। इस तरीके से अगर आप गुरु की रेमेडी करेंगे तो गुरु की नेगेटिविटी आपको कम परेशान करेगी। ये तो सब बातें हुई कि इस वर्ष में हमारे कैरियर में हमारे पर नए अवसर आने वाले हैं, और इस वर्ष हमारे वर्तमान कैरियर में किसी ना किसी प्रकार का बदलाव संभावित है। इस वर्ष हमें सावधानी क्या क्या रखनी पड़ेगी। पहली सावधानी, मिथुन लगन व कन्या राशि से दशमेश सप्तमेश सूर्य एक पहले 8वां होगा और फिर 12वां होगा, तो इसलिए इस वर्ष आपको वर्ष 2024 में दाम्पत्य जीवन में बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी। दाम्पत्य जीवन का जो विवाहित महिला है उनके लिए बहुत अच्छा उपाय यह है कि वो हर शनिवार को चमेली के तेल का दीपक जलाएं और सुंदरकांड का पाठ करें, दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत अच्छा उपाय है। इसके अलावा आप रोज सुबह अगर पूजा करती हैं तो सिद्ध कुंजी का स्त्रोत का भी पाठ कर सकती हैं। माता जी का सिद्ध कुंजी का स्त्रोत आपको दुर्गा सप्तशती में मिल जाएगा, वो भी जो है दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत अच्छा उपाय है। तो आपको दाम्पत्य जीवन में तनाव से बच के चलना है। इसके अलावा अगर आपका व्यापार पार्टनरशिप में है तो पार्टनरशिप से किसी प्रकार का विवाद या टेंशन होने की संभावना, और इस वर्ष अगर आपका कोई कोर्ट केस की डेट आती है तो कोर्ट केस में आपको सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि 8वां गुरु और 12वां गुरु कोर्ट केस के लिए अच्छा नहीं है। और आगे बढ़कर किसी से भी लड़ाई झगड़ा मोल मत लीजिएगा, अगर आप अचानक किसी पुलिस केस में फंसे तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। ये वर्ष माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता दिखा रहा है, और क्योंकि कन्या राशि से केतु का गोचर हो रहा है लगन पर, जिसके कारण इस वर्ष आपको मानसिक चिंता रहेगी, आपका स्वभाव चिड़चिड़ा रहेगा, गुस्सा आपको ज्यादा आएगा। केतु की रेमेडी जरूर करिएगा। केतु की रेमेडी के तौर पर आप नीम का पेड़ लगा सकते हैं, अपने घर में लगा सकते हैं, घर के बाहर कहीं लगा सकते हैं, और इसके अलावा आप बुधवार को गणेश जी के मंदिर में कमल का भी दान कर सकते हैं, और राहु की रेमेडी के तौर पर आप हर बुधवार को 4 मूली मंदिर में दान कर सकते हैं, जिसमें आपको सफेद हिस्सा दान करना है, उसके पत्ते उतार लीजिएगा। पत्ते हटा के 4 सफेद मूली अगर आप बुधवार को दान करेंगे मंदिर में तो राहु की बहुत अच्छी रेमेडी हो जाएगी। इस तरीके से अगर आप राहु केतु की रेमेडी करेंगे तो आपका जो मानसिक चिंता, परेशानी, चिड़चिड़ापन, टेंशन, एंग्जाइटी, वो आपकी सब कम हो जाएगी। तो मेरा यह मानना है अगर आप मिथुन लगन व कन्या राशि के जातक हैं तो वर्ष 2024 आपके लिए 65% तक बढ़िया जाने वाला है। और बाई चांस आपकी दशाएं बहुत अच्छी हुई, जैसे बुध की, शुक्र की या शनि की दशा इंद्रदशा चल रही होगी, तो ये परसेंटेज 70 तक भी जा सकती है। इनमें सबसे बढ़िया बात यह है कि दोनों ही लगन बुध के हैं, दोनों ही लगन बुध के होने के कारण अगर दोनों ही लग्नों में बुध शुक्र शनि की दशा अगर आपकी चल रही है तो वो लग्न राशि दोनों से पॉजिटिव होगी, तो ये वर्ष वाकई आपका बहुत अच्छा जाएगा। तो दर्शकों, ये मेरा वीडियो था कि मिथुन लग्न व कन्या राशि के लिए वर्ष 2024 65% तक बढ़िया जाने वाला है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जब भी मैं अपने वीडियो अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरा वीडियो देख सकें। इसके साथ ही नमस्कार दर्शकों, जय माता दी।